चैलेंजेस ही चैलेंजेस था, क्योंकि एक ऐसा मुल्क का फिल्म है ये जहाँ पर फंडामेंटल इससे भरे हुए हैं। 55 करोड़ लेके जब हमसे अलग हुए थे पाकिस्तान, तब उसमें से 40 करोड़ रुपया इन लोगों ने आर्म्स बनाने में लगा दिए थे, क्योंकि इनको शुरू से डर था कि शायद इनको कोई मार देगा, इनको शायद ख़त्म कर देगा। वो डर इनका बना बनाया जो रहा, वो फंडामेंटलिस्ट लोगों को तैयार किया, और इसलिए उस कंट्री के साथ में ऐसा रहा है शुरू से लेके। हमारे साथ उनका डिप्लोमेटिक वे में या फिर हमारे साथ उनका पॉलिटिकल वे में कभी मैच नहीं किया है। तो जब हम इस पर रिसर्च करना शुरू किया, अपनी राइटर जो है भास्वती चक्रवर्ती हैं, यहीं पर हैं, आएंगे अभी बुलाऊँगा, तो जब रिसर्च करना शुरू किए वहाँ पर डिप्लोमेटिक वे में, जो तथ्य वहाँ से आता था, जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से आता था, वो सारा बायस था। सारे रिपोर्टर से लेके शुरू करके क्राइम बीट पे जो काम करते हैं या फिर बड़े से बड़े ऑथर, उनसे हमको मिलता नहीं था प्रॉपर चीज़ें। ज़मीनी तरीके से हम वहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू किए थे, और जब राइटर ने उस चीज़ को कोलाज करने का कोशिश किया तो देखा कि अब कुछ बन पाई है चीज़ें। इस फिल्म के साथ ज़्यादा कठिनाई इसलिए था कि मैंने शुरू में मलयालम से कोशिश किया था कॉन्टैक्ट करने का, रब्ता कायम करने का, नहीं हो पाया, वो बन नहीं पाया। उसके पीछे रीज़न था कि सिक्योरिटी रीजन था, वो लंदन में शिफ्ट हो गई थी, उनका वहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा था, उनसे बात करना नामुमकिन हो रहा था, और हमने काम रोका नहीं। तकलीफें थी कि पर्दे का कलर घर का हमको बनाना था, सेम मैच करना था, घर का बाहर का खटिया, मलयालम का हाथ का पेन, उसका इंक पॉट तक का हमने कॉपी किया है सेम हूबहू, वो एक मुश्किल था ही था। मेल लीड में जिसको हमको कास्ट करना था, जिस बच्ची को हमने किया है कास्ट, रिम रिजम्बल करने वाला एक चेहरा चाहिए था, नेचुरलिस्टिक एक्टर चाहिए था, जिस जो नोन ज़्यादा ना हो, क्योंकि नोन चेहरे जो होते हैं वो बहुत बड़े एक्टर होते हैं, मैं जानता हूँ, मैं उनकी इज्जत भी करता हूँ, लेकिन वो अपना छाप छोड़ जाते हैं, ना कि कैरेक्टर का। तो मेरी फिल्म में मुझे चाहिए था कि जब फिल्म को लोग देखेंगे वो मलयालम दिखे, उनको हर हाल में मलयालम दिखे। दूसरा एक और कठिनाई ये था कि मुझे सबसे बड़ा विलन बनाना था, ताकि मेरा हीरो बड़ा हो जाए, मेरा हीरो मलयालम। अब हीरो को बड़ा करने के लिए मुझे विलन में जो मैंने चुनाव किया वो सारा मैच किया, जितने भी फेसेस रियल थे उनके, जैसे मोहम्मद फजलुल्ला 6 फीट का हाइट का आदमी जो मुझे मुकेश सिसी में नज़र आया, उनको उस तरह का गेटअप देने के बाद, पतले दुबले से बॉडी लैंग्वेज के साथ थे आरिफ जकरिया साहब, जिनको हमने दिया सूफी मोहम्मद का किरदार, हकीमुल्ला महसूद का किरदार में हमने उनको किया अभिमन्यु सिंह को, छोटा सा किरदार किया बैतुल्ला महसूद का पंकज त्रिपाठी ने किया। तो इसके अलावा बाकी फिल्म में कम से कम हमने 400 एक्टर को साइन किया था और फिल्म में काम किए लोगों ने। ये सब के सब FTI के NSD के स्टूडेंट्स हैं, जो पास आउट हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सबके अंदर नवाज छुपा हुआ है, और बहुत अच्छे तरीके से हमने कोशिश किया चीज़ों को बनाने। दो हज़ार 2012 से मुझे थ्रेटन कॉल आ रहा है, जिस दिन से इस फिल्म का शुरुआत किया था, और वो तो चलता रहता है, क्योंकि उनके घर के सामने दस्त करते थे तालिबानी, जब उनको तकलीफ नहीं हुआ, उनको डर नहीं लगा, तो एक ईमेल के थ्रू एक वर्चुअल थ्रेटन से मुझे डर नहीं लगता, सामने भी आ जाएगा देखा जाएगा। दूसरी बात है, यहाँ से अभी छोटी मोटी चीज़ें हो रही है, जैसे एक मुफ्ती साहब हैं जिन्होंने मेरे पे काफिर का फतवा लगा दिया, उनको ऐसा लगा मलयालम के पोस्टर में मलयालम ने जो किताब पकड़ी वो शायद कुरान पाक है, और बेहुरमती मैंने किया है क्योंकि उस पर ब्लास्ट हो रहा है। मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद इंशाल्लाह एक दो दिन में वो समझ जाएंगे कि वो एक इंग्लिश किताब है जिस पर मैंने ब्लास्ट दर्शाए हैं, क्योंकि वो सिचुएशन को हमने दर्शाने की कोशिश की है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Congratulations, the film is finally here, and for Malala, Malala has been like the biggest inspiration for all the teen young girls out there, and to release a film on such a subject, it takes a lot of strength, a lot of guts, a lot of hard work. So congratulations that it's finally here, and Reem,
I love you so, so much, you know that. And I'm just so, so happy for you that you've been part of such a great project. And I just hope that whatever you do in your life, you're happy in it, and that you always keep achieving and successing. ट्रेलर तो मैंने जब पोस्टर ही आया था आई स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट इट ऑन गूगल एंड एवरीवेयर बिकॉज यू नो आई वाज ऑलवेज सो आई डोंट नो आई वाज वेरी इंटरेस्ट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट सो या आई वाज ऑलवेज सर्चिंग अबाउट इट एवरीवेयर एंड वंस द ट्रेलर केम आउट आई टेक्स्टेड रीम एंड आई वाज लाइक कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस बिकॉज दिस इज़ रियली ह्यूज फॉर हर एंड आई नो कि वो कितना अभी खुश है और कितनी नर्वस है एंड आई एम जस्ट सो सो हैप्पी दैट शी इज़ such a close friend of mine and yeah I'll always be there for her. Okay, lastly abhi ek cheez jana chahenge like Malala ka matlab poster to is amazing trailer is amazing kitne pyare tarike se matlab rim ne act kiya hai itna acha script hai but still ek controversy se guzarna pada kya kehna chahenge matlab kaafi religious matter isme guzara definitely that's what I said bahut risky hai and bahut guts chahiye aise project ko release karne ke liye so first of all congratulations to the director and Reem also and yeah controversies to hoti hai but it's just about you know just going and just giving your 100% and which she has given I've seen it in the trailer aur itne sensitive topic ko aage lana it's not easy thing to do but it you know this was required I really feel and especially for all the young girls who really want to study and education is really important and it is a necessary for everybody be it a girl or a boy whatever it is So I'm just really happy that they are really inspiring people through this project, this film. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Yeah. First of all, we are really happy that अच्छे subjects पर film अब now it's started. You know, the Bollywood has started adapting good subjects, and we are really happy. Reem is doing one, and. really a good thing. Certainly, because मलाला यूसुफ़ज़ई ये कैरेक्टर को पूरी दुनिया जानती है और आज के ज़माने में जब वुमेन एम्पावरमेंट एक बड़ा इशू बन गया है तो ये कहानी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे क्योंकि बुक सारे लोग पढ़ते नहीं हैं तो एक फिल्म के जरिए आप लोगों का ये प्रयत्न है बिल्कुल और विजुअल मीडियम जो इम्पैक्ट करता है वो बुक से कहीं ज़्यादा होता है मैं भी जानता हूँ एंड आई एम सो हैप्पी फॉर रिम कि इतनी छोटी सी उम्र में बच्ची इतना बड़ा कैरेक्टर निभा रही है जो कि एक जीता जागता कैरेक्टर है एंड दैट्स रियली डिफिकल्ट टू पोर्ट्रे समवन लाइक दिस एंड दैट टू मलाला एंड समथिंग आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इज हर पेरेंट्स विच यू नो रियली सपोर्ट करते हैं चाहे हम जब राबता शूट करते हैं और शी इज़ डन दिस और शी डज द अदर स्टफ सॉन्ग्स एंड एड्स जितना सपोर्ट उसके पेरेंट्स करते हैं एवरी डे दे पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट staying with her making sure she eats well her nutrition her studies taking care of her so unke parents then Reem obviously and plus she's a great artist to work with and she's doing good subjects it makes me happy that as an artist she's responsible and she's putting and taking up good subjects you know on board correct matlab jaise malala ki story mein uske father ne uska har tarike se support kiya tha वैसे ही मैं समीर सर को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने या एंड शीतल मैम कि उन्होंने रिम को इतने सालों से सपोर्ट कर रहे हैं वो एंड इन अ राइट वे दे आर सपोर्टिंग देयर चाइल्ड टू बिकम अ एक्टर सो विच इज़ वेरी नेसेसरी एंड आई जस्ट विश रिम ऑल द बेस्ट फॉर दिस फिल्म एंड आई होप कि ये फिल्म बहुत दूर तक पहुँचे आई थिंक इट्स डेफिनेटली गोना बी अ क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म but also I wanted to do really good on the numbers as well I think it needs the Bollywood needs to start growing on this subjects this sensitive subjects commercially also be better hona chahiye right? correct main matlab iske liye main director aur producer ko dhanyawad dena chahunga frankly speaking ki unhone subject uthaya jabki aaj ka daur to aap sab log jante ho kya ho raha hai jabki aaj ke daur mein ye film lana is a big step तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई होप कि आपकी फिल्म बहुत बहुत चले थैंक यू बिकॉज यही है जिन्होंने एजुकेशन लाई है हमारे गर्ल्स के लिए एंड अगर आप सब मेरे स्कूल जाएंगे तो वहाँ पे भी इनके पोस्टर्स हर जगह लगे हुए हैं एंड ये सबके लिए इंस्पिरेशनल है तो गाइस आप सबको जाना चाहिए और ये फिल्म देखनी चाहिए क्या कहना चाहेंगे मतलब रिम के बारे में जो मलाला के किरदार प्ले कर रही है उनका मतलब उनका किरदार
उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा एक्ट किया. मैंने जो ट्रेलर देखा था तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ट्रेलर, एंड उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है इसमें. Whenever the movie comes on the real story, real life, you know, it's very important to be, it has to be specific. You cannot go here and there. So, you know, whenever the real life story movies are there, it has to be very important and very nicely done, because you cannot go wrong in that. And I'm sure this movie has done a great job. And you need courage to choose such kind of a subject, such kind of a topic. And I'm so glad that I'm associated with Reem, who is playing the main character. So we all are happy. Co-actress from Tujhse Rabta Show. Yeah, she's definitely very talented actor. Yeah, yeah. She's gonna rock. So I think humse zyada kaun janta hoga. Ji, ji. She's such a talented actor. Yeah. I'm like. Yes. We loved it. We didn't like it, we loved it. It's amazing it. And Reem is gonna kill it. She's just gonna nail like it. Like, you know, you should be worrying ki aage kya hoga, abhi kaise hoga. Because we know the story, but still, if you watch the trailer, oh, this is really like hamare rongte khade hote, you know, goosebumps aate. So yeah, of course, it's a challenging movie. And we love it. Real life stories and all, biopics and all, we really love to watch it. And now the trend is that only. And this is a very sensitive thing. And of course, a lot of controversies they went to, even the director. True. Yeah. But jisko jo acha hona hai, wo hona hi hai. And it's a very inspiring story for youth as well as females. Like, main sari ladkiyon ko bolungi, kuch bhi ho jaye, always you should educate yourself. And one more thing I would like to say is, आगे बढ़ के भी आपको पैसे कमाने, भले if you earn 5,000 it's okay, but you should earn your own money so that आपको किसी की कोई बात ना सुननी पड़े life में. So you should, yeah, you should be independent. And education is most important thing. What she is telling everybody to be educated. Yeah. And you know, education, I feel that now it's very very important for everyone. It's must. Yeah. So she is showing, you know, in this movie we are getting to know the importance of education, and this is gonna inspire a lot of people. Not only here but in villages and all, where people actually don't get to study. And not only in India. Yeah. Outside India also there are some nations जहाँ पे education अभी भी नहीं मिलता है लड़कियों को, और even बच्चों को भी नहीं मिलता है. So of course it is necessary to promote education, and through this movie they are promoting education most importantly. So yeah, it's a good sign. Reem, we love you. I love you. All the best. You're gonna nail it. You're gonna kill it. Yeah. And this movie is gonna rock. Yeah. Dilmaka is gonna rock, guys. Thank you. Thank you. Thank you. Now we should go this guy. One child, one teacher, one book, one pen can change the world. ट्रेलर में तो हमने देखा ही, एंड ऑफ कोर्स हम हर दिन भी उसे टीवी पे देखते हैं, सामने भी देखते हैं, परफॉर्म करते हो, तो इतनी सुपर एक्ट्रेस है. सो आई नो कि फिल्म भी उतनी ही अमेजिंग होने वाली है, उतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है. सबसे बड़ी बात है कि फिल्म का मैसेज बहुत अच्छा है. इट्स अबाउट एजुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड एंड हाउ मच एन इम्पैक्ट दैट कैन हैव ऑन द एंटायर सोसाइटी, ऑन द वर्ल्ड एक्चुअली. तो बहुत अच्छी फिल्म के साथ रीम अपनी शुरुआत कर रही है, एंड दैट्स व्हाई वी हैड टू सपोर्ट हर. एंड मैं इतना एक्साइटेड थी ना इसके बारे में पढ़ने के लिए, पर मैंने बुक खोली, वो जो हमारी आदत होती है बुक खोल के दो पेज पढ़ के नींद आती है, वो मैंने कह रही है मूवी में मिस नहीं करूंगी. फर्स्ट रीम के लिए भी देखनी है, एक सब्जेक्ट के लिए. इसलिए आज हम पैकअप करते ही सीधा यहाँ आए रीम को सपोर्ट करने के लिए उसकी स्क्रीनिंग पर. एंड यू आर वेरी एक्साइटेड टू वॉच ऑन द बिग स्क्रीन. आंसू भरे हुए थे टक सीधा. Yeah.
ये कंट्रोवर्सीज तो खैर मलाला यूसुफ़ज़ई की लाइफ में बहुत ही रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, द वे शी इज़ चेंज्ड द आउटलुक ऑफ द एंटायर सोसाइटी टुवर्ड्स द गर्ल चाइल्ड, आई थिंक वो बहुत जरूरी है देखना। अच्छा मलाला हाँ। की लाइफ की कंट्रो, आई थॉट द मूवी। या वो दैट्स पार्ट एंड पार्सल यार, आप ऐसी कोई भी फिल्म बनाएंगे तो यू ऑलवेज एंड अप हर्टिंग सम काइंड ऑफ सेंटीमेंट्स ऑफ सम काइंड ऑफ रिलीजियस सेक्ट। But in the end, you should always focus on the bigger picture. Bigger picture, अगर message आपका बहुत बड़ा है तो वो एक दो लोगों को आपको you know have to take some challenges and you have to pass on the message that you intend to. So I all the best to Reem and हम लोग जो support कर सकते हैं करेंगे। Yes. We hope that the film is a super hit and Reem superstar है ही already और बड़ी superstar she should get a lot of accolades for her performance and a lot of success yaar, we wish her the best actually, we wish her the best. Thank you so much guys. Thank you. Bye. पकड़ लो ना चाले। अरे नहीं नहीं पकड़ ली। Well, it's a very heart-touching subject. It's a story that can be told so many times and there's always a new facet to it. It's a beautiful story of a very brave girl, of a very courageous girl, and I'm so glad a talented girl like Reem is playing this character. ये कहानी ऐसी है और इतनी हार्ट टचिंग है कि एक लड़की ने एक स्टेटमेंट किया, अपनी जान दांव पे लगाकर मौत से लड़के और कई चीज़ों के खिलाफ उस वक्त जो समाज में या उन हालातों में चल रही थी उसके खिलाफ एक लड़की की हिम्मत जो है, उसकी स्टोरी कितनी भी बार कही जाए, कितनी भी अलग तरीके से कही जाए, और इसमें इतने टैलेंटेड लोग हैं, डायरेक्टर का एक एफर्ट होता है, एक्टर्स के एफर्ट्स होते हैं, पूरी क्रू का जो एफर्ट होता है, तो उन्होंने ये जो कोशिश की है वो ही काबिले तारीफ है। दिस इज़ द बिगिनिंग एंड देयर इज़ द वर्ल्ड टू गो, सो द वर्ल्ड शुड बी अ प्लेग्राउंड, डू द बेस्ट यू कैन, यू वेरी टैलेंटेड, वेरी प्रिटी एंड अ वेरी नाइस गर्ल, सो मे अल्लाह ऑलवेज स्माइल अपॉन यू। एक मिनट विजुअल लेने ना।